तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले हम स्टार्ट करेंगे कि 90 डिग्री का एंगल किस तरह से बनाया जाता है। तो आइए बनाते हैं 90 का एंगल। पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट से हम आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब प्रकार की नोक को यहाँ रखते हुए हम एक आर्क लगाएंगे इस तरह से, और प्रकार की नोक को यहाँ रख के हम एक और आर्क लगाएंगे इस तरह से, और आगे इस आर्क को बढ़ा देंगे इस तरह से। ओके, अब प्रकार की नोक को क्या करेंगे, यहाँ पे रखकर एक और आर्क बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से। ओके, अब जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा, और ये जो पॉइंट है इसको हम ज्वाइन कर देंगे, तो हमारा 90 का एंगल जो है वो रेडी हो जाएगा। तो जो हमारा ये एंगल बना है यहाँ पर, ये कितनी डिग्री का एंगल है, ये है 90 का एंगल। तो इस तरह से हमारा ये 90 डिग्री का एंगल तैयार हो गया है। हम इसको नाम भी दे सकते हैं यहाँ पर, ये एरो लगाकर इस तरह से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ए ओ बी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 45 डिग्री का एंगल है, तो देखते कैसे बनता है 45 डिग्री का एंगल। पहले हम सेम एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने के बाद 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले हमारे को 90 का बनाना पड़ेगा। अब प्रकार के पॉइंट को यहाँ रखकर एक आर्क मार देंगे इस तरह से, और सेम 90 का बनाएंगे जैसे पहले बनाया था हमने। इस तरह से हमारा 90 का एंगल तैयार हो गया यहाँ पर। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इससे पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, और जो 90 का एंगल बनाएंगे उसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, क्योंकि एक्चुअल एंगल जो होता है उसको ये हम एक डायरेक्ट लाइन से दिखाते हैं, और डॉटेड लाइन से दिखाने का मतलब ये है कि वो एक्चुअल एंगल हमारा नहीं है जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये 90 का एंगल हो गया है। 90 का एंगल बनाने के बाद हम फिर दोबारा से प्रकार के पॉइंट को यहाँ रखे एक आर्क को आगे बढ़ाएंगे इस वाले को, और जो ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो ये इसका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे प्रकार की नोक को रखकर हम यहाँ से एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। अब जो ये यहाँ पर ये वाला आर्क और ये वाला आर्क इंटरसेक्ट करा है, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, तो हमारा 45 का एंगल रेडी हो जाएगा इस तरह से। अब इसका नाम दे देंगे यहाँ पर, जो ये वाला एंगल बना हमारा, ये वाला एंगल जो है हमारा, ये कितनी डिग्री का है, 45 डिग्री का एंगल है, ए ओ बी सी। तो यहाँ पे जो एंगल सी ओ बी जो है, सी ओ बी जो है वो हमारा कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का एंगल है। तो हम स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। 22.5 का एंगल बनाएंगे अब हम। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमने एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लिया यहाँ पर इस तरह से। तो पहले हम 90 का एंगल बनाएंगे। इस तरह से ये हमने 90 का एंगल बना लिया। अब यहीं से हम 45 का एंगल बनाएंगे। ये हमारा 45 का एंगल हो गया। ओके, अब इसी के अंदर 45 का जब हम हाफ कर देंगे तो 22.5 डिग्री का एंगल हमारा तैयार हो जाएगा। अब हम अपर प्रकार की नोक को यहाँ रखकर यहाँ से ये वाला आर्क लगाएंगे इस तरह से। तो जो ये वाला आर्क और ये वाला आर्क इंटरसेक्ट किया है, इस वाले इंटरसेक्ट आर्क को हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, तो हमारा 22.5 का एंगल रेडी हो जाएगा। इस तरह से तो हम उसको कह सकते हैं यहाँ पर ए ओ बी।
बी जो हमारा ये वाला एंगल बना है, ये वाला ये कितने का है, 22 है ना, हाफ का एंगल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 22 है ना हाफ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके अंदर हम 60 और 120 का एंगल बनाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ पे हम आर्क बनाएंगे, प्रकार के नोक को यहाँ रखकर हम एक आर्क बनाएंगे इस तरह से। अब प्रकार के पॉइंट को यहाँ रखकर एक आर्क लगाएंगे इस तरह से, और प्रकार के पॉइंट को यहाँ रखकर हम दूसरा आर्क लगाएंगे इस तरह से। अब यानी कि जो ये वाला पॉइंट है हमारा पास, ये वाला पॉइंट है, उसे ये वाला पॉइंट इनको ज्वाइन करेंगे। ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, और इस वाले पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देंगे हम यहाँ पर। ये ज्वाइन कर दिया हमने, इसको नाम दे देंगे हम ये ए ओ पी ये सी। तो जो हमारा एंगल ए ओ बी जो होगा, यानी कि जो ये पूरा वाला एंगल होगा, एंगल ए ओ बी जो होगा वो कितने का होगा, 120 का होगा। और जो एंगल सी ओ बी होगा वो कितना होगा, 60 का होगा। तो इस तरह से हमारे 60 और 120 के एंगल तैयार हो जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 30 डिग्री के एंगल को। तो हम यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ओके, अब हम यहाँ पे 60 के एंगल बनाएंगे, फिर उसका एंगल बाइसेक्टर कर देंगे, 30 का रेडी हो जाएगा हमारे पास। इस तरह से हमने 60 का एंगल बनाया पहले, अब इसी को ही आर्क को जो है एक्सटेंड करते हुए हम आगे बढ़ा देंगे, और यहाँ से प्रकार के नोक को रखकर यहाँ से ये आर्क लगा देंगे। तो जो ये एंगल इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से मिलकर जो बनेगा वो हमारा कितने डिग्री का एंगल होगा, 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। एम ओ एन और ये पी। तो जो हमारा एंगल एम ओ एन जो होगा वो कितनी डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। स्टार्ट करते हैं 15 डिग्री के एंगल को। तो 15 के एंगल कैसे बनेगा, सेम प्रोसीजर है हमारे पास। पहले हम 60 का बनाएंगे, 30 का, और उसी तरह से आगे बढ़ते हुए 15 का रेडी हो जाएगा हमारे पास। तो हमने यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर लिया, लाइन लाइन ड्रॉ कर लिया, उसके बाद यहाँ पर हमने आर्क बनाया इस तरह से। हमने यहाँ पे 60 का एंगल बनाया और इसी को ही हमने आगे बढ़ा दिया। तो जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने क्या किया, यहाँ पे 30 का एंगल बनाया। तो जो ये एंगल बनाया हमने, ये कितने डिग्री का बनाया, 30 का बनाया। इस तरह से अब यहाँ पे 15 का बनाना है हमारे को। तो फिर दोबारा से इस आर्क को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे हम, और प्रकार के पॉइंट को इस पॉइंट पर रखकर कट कर देंगे इस तरह से। तो जी यहाँ पे कट होंगे दोनों आर्क, और इस पॉइंट को मिलाएंगे, तब हमारा 15 डिग्री का एंगल रेडी हो जाएगा। इस तरह से P Q R S। तो जो एंगल हमारा ये वाला बना है, ये कितनी डिग्री का बना है, 15 डिग्री का एंगल बना है। तो S Q R जो एंगल है हमारा वो कितनी डिग्री का है, 15 डिग्री का है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, जिसके अंदर हमें बनाना है 105 डिग्री का एंगल। तो देखते हैं 105 डिग्री का एंगल किस तरह से बनेगा। तो हम पहले एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे प्रकार के नोक को रखकर एक हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। फिर प्रकार के नोक को यहाँ रखकर ये आर्क लगाएंगे, और प्रकार के नोक को यहाँ रखते हुए एक आर्क इस तरह से और दूसरा आर्क इस तरह से, और प्रकार के नोक यहाँ रखते हुए यहाँ से एक
आर्क लगा देंगे इस तरह से। तो इसको जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये जो ये वाला पॉइंट है हमारा, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल तैयार हो गया, लेकिन हमें बनाना किसका है, 105 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यानी कि जो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको हम बाइसेक्ट कर देंगे, तो हमारा 105 डिग्री का एंगल रेडी हो जाएगा। इस आर्क को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे इस तरह से, और इस पॉइंट को यहाँ रखते हुए इस तरह से हम कट कर देंगे। जो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा और ये वाला पॉइंट जो होगा हमारा, इसको ज्वाइन कर देंगे, तो हमारा 105 डिग्री का एंगल रेडी हो जाएगा इस तरह से। तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं ए, ओ, बी और ये डी। तो जो हमारा एंगल डी ओ बी जो है वो कितने डिग्री का एंगल है, 105 डिग्री का एंगल हमारा रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हम 105 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं 75 डिग्री का एंगल। तो आइए देखते हैं किस तरह से 75 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर है, पहले एक हम लाइन सेगमेंट को ले लेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया हमने यहाँ पर। 90 डिग्री का एंगल को बनाएंगे हम यहाँ पे इस तरह से, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे और यहाँ से आर्क लगाएंगे इस तरह से, और प्रकार की नोक को यहाँ रख के एक आर्क यहाँ लगाएंगे, इसको ये आगे तक बढ़ा देंगे इस तरह से, और प्रकार की नोक को यहाँ रखते हुए एक दूसरा आर्क यहाँ लगा देंगे। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे हम यहाँ पर, हमारा 90 डिग्री का एंगल रेडी हो गया। अब 90 डिग्री का एंगल बनने के बाद हम इस आर्क को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, और ये वाला पॉइंट जो होगा यहाँ पे प्रकार की नोक को रखकर ऐसे इंटरसेक्ट करवा देंगे। अब जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, तो हमारा 75 डिग्री का एंगल रेडी हो जाएगा इस तरह से। हमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो एंगल ए ओ बी, इसको हमने बोल दिया एम, तो एम ओ बी, तो एंगल एम ओ बी इज इक्वल टू 75 डिग्री। यानी कि जो हमारा एंगल एम ओ बी है वो हमारा कितने डिग्री का एंगल है, 75 डिग्री का एंगल है। स्टार्ट करते हैं, 135 डिग्री का एंगल बनाना है, यानी कि 135 डिग्री का मैंने एंगल बनाना है। तो देखते हैं 135 डिग्री का एंगल किस तरह से बनेगा। तो पहले हम एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, इस तरह से हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब प्रकार की नोक को यहाँ रखते हुए एक आर्क लगाएंगे, और प्रकार की नोक को यहाँ रखते हुए एक दूसरा आर्क लगाएंगे, और प्रकार की नोक को यहाँ पे रख के ये तीसरा आर्क लगाएंगे। इस तरह से आर्क लगा दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे पहले, ये हमने इसको ज्वाइन करा, ये हमारा 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया। अब 120 डिग्री एंगल और 180 डिग्री के एंगल में क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाइसेक्टर बनाएंगे। यहाँ पे हमने इस एंगल को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पर एक एंगल जो बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 150 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर इस तरह से। जो ये एंगल बना है यहाँ से लेकर ये पूरा एंगल जो बना है यहाँ तक, ये हमारा कितने डिग्री का एंगल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 150 डिग्री का एंगल है, लेकिन हमें बनाना कितना है, 135 का बनाना है। तो अब क्या करेंगे कि जो हमारे हमने क्या किया, यहाँ पर जो ये आर्क लगाया तो ये वाला एंगल जो है 60 डिग्री बना, यहाँ से दूसरा आर्क लगाया तो ये जो ये वाला एंगल बना ये भी 60 डिग्री का बना, और हमने जो तीसरा आर्क लगाया ये भी कितने डिग्री का बना, यहाँ पर 60 का बना, यानी कि 60 60 और ये 60। अब इन 60 का जो हमने क्या कर दिया, बाइसेक्टर कर दिया, इस एंगल का हमने क्या कर दिया, बाइसेक्टर कर दिया। तो जो 60 डिग्री का एंगल था
ये किस में टूट गया, यानी कि ये जो इतना पार्ट होगा ये 30 का होगा और जो ये इतना पार्ट होगा ये 30 का होगा, तो यानी कि 120 प्लस 30 कितना हो गया 150, तो यानी कि जो ये एंगल बना है हमारा ये वाला ये 150 का बना हुआ है, तो यानी कि जो ये वाला एंगल है हमारा ये 30 डिग्री का है। अब इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि प्रकार की नोक को हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से एक बाइसेक्टर मार देंगे इस तरह से, ये एंगल बाइसेक्ट हो गया यहाँ पर। अब जो ये एंगल बनेगा यहाँ पे इस तरह से, जो ये वाला एंगल फाइनल फॉर्म हुआ यहाँ पर ये हमारा कितने डिग्री का है, 135 डिग्री का एंगल है। इसको हम नाम दे देते हैं ए ओ बी, ये सी और ये डी। तो जो एंगल हमारा सी ओ बी बना है, यानी कि एंगल सी ओ बी बना है वो कितना है, 135 डिग्री का एंगल है। तो यानी कि सी ओ डी जो है हमारा कितने डिग्री का एंगल है, 135 डिग्री का एंगल है। अब हम बनाने जा रहे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने के लिए यहाँ पे हमारा कोई भी स्पेसिफिक डायमेंशन नहीं दी गई है, तो हम अपनी तरफ से लेट कर लेंगे कि इतने सेंटीमीटर की डायमेंशन है और इस तरह का उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बना सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है इक्विलेटरल ट्राइंगल को बनाने के लिए। हम रूलर पे क्या करेंगे, कोई भी डायमेंशन को लेट कर लेंगे। तो हमने सपोज 30 सो 25 ले लिया हमने यहाँ पर, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर का एक हमारा डायमेंशन हो गया यहाँ पर, यानी कि 25 से लेकर 30 तक हमने क्या किया, एक हमने 5 सेंटीमीटर की डायमेंशन लेट कर लिया। तो ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, तो जो बेस लाइन होगी हमने जो हमारी बेस लाइन होगी इस तरह से 5 सेंटीमीटर की होगी। ओके, यानी कि जो ये ए और बी है ये कितना है, 5 सेंटीमीटर का है। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट बी पे रख के प्रकार की नोक एक आर्क लगाएंगे इस तरह से, और ए पे रख के दूसरा आर्क लगाएंगे इस तरह से, और जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इसको हम पॉइंट सी दे देंगे। अब इस पॉइंट को सी को ए से मिला देंगे हम इस तरह से, और पॉइंट सी को बी से मिला देंगे। तो यानी कि ए और सी की जो डायमेंशन होगी वो भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, और सी से बी की जो डायमेंशन होगी वो भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। तो यानी कि हमें क्या बनाना था, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्शन करना था। तो यानी कि ए बी सी हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि इसके अंदर ऑल डायमेंशन इक्वल है। तो हम किसको कह सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, जब हमारे को डायमेंशन ना दी गई हो तो हम अपनी तरफ से कोई भी डायमेंशन को लेट कर सकते हैं।